तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मून ने सभी को लेवल 8 वाले स्पिरिचुअल फर्नेस के बारे में बता दिया था और कहते हैं कि इस मिशन पर जो भी बंदे गए थे उनके बीच में कंपटीशन होगा जिसमें उनको अपने लाइट के पावर को रिलीज करना होगा और जिसका भी लाइट का पावर काफी ज्यादा प्योर होगा ये फर्नेस उसको अपना मास्टर चुनेगा। अब इस बात को सुनकर वो सभी बंदे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, साथ ही वो सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड भी लग रहे थे क्योंकि इस फर्नेस को पाने का उनको भी मौका मिलने वाला था। वहीं हम मून को देखते हैं जो कि उनसे पूछते हैं कि क्या आप सभी रेडी हो, इस पर वो सभी हाँ कहते हैं। इसके बाद मून उस लॉकेट को छोड़ देते हैं जिसके बाद वो लॉकेट हवा में चला जाता है। वहीं हम मून को देखते हैं जो कि उस लॉकेट को एक्टिवेट कर देते हैं। वहीं उनके ऐसा करते ही उसके अंदर से एक छोटी सी फेरी बाहर आती है। अब इस फेरी को देखकर वहां पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी भी फेरी को नहीं देखा था, साथ ही ये फेरी काफी ज्यादा खूबसूरत भी थी। वहीं हम मून को देखते हैं जो कि उन सभी बंदों को रेडी हो जाने को बोलते हैं, जो सुनकर वो सभी बंदे अपने अपने लाइट पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। वहीं हम उस फेरी को देखते हैं जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा डर रही होती है। हाउसियन भी इस बात को नोटिस कर लेता है, इसीलिए वो अपने पावर को रिलीज नहीं करता है, जो देखकर सीमासियन उससे कहता है कि बॉस आखिर तुम अपने पावर को एक्टिवेट क्यों नहीं कर रहे हो। हाउसियन कहता है कि क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि वो फेरी हमारे लाइट पावर के रिलीज करने की वजह से काफी ज्यादा डर रही है। वहीं हम उस फेरी को देखते हैं जो कि अचानक से शांत हो जाती है और एक एक करके सभी बंदों के पास में जाने लगती है, पर तभी उसको कुछ महसूस होने लगता है जिसके बाद वो काफी ज्यादा तेजी के साथ में गोल्डन की तरफ जाने लगती है। अब एलिमेंटल फेरी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर गोल्डन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली मेरी किस्मत चमक गई, पर उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती है क्योंकि वो फेरी गोल्डन के पास में नहीं बल्कि उसके पास में खड़े हाउसियन के पास में चली जाती है। वहीं इस चीज को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि हाउसियन ने अपने लाइट पावर को एक्टिवेट नहीं किया था, पर फिर भी लाइट फेरी ने हाउसियन को चुन लिया था। वहीं हम गोल्डन को देखते हैं जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर वो अपना गुस्सा सो नहीं करता है। वहीं हम हाउसियन के टीम को देखते हैं जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि हाउसियन ये डिजर्व करता है क्योंकि उसने वहाँ पर हमारी जान बचाई थी। वहीं हमें मून को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश लग रहे होते हैं और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भी यही चाह रहे थे। इसके बाद वो वहाँ पर इसके बारे में अनाउंस कर देते हैं कि लाइट एलिमेंटल फेरी ने हाउसियन को अपना मास्टर चुन लिया है। वहीं हमें बाकी बंदों को भी दिखाया जाता है जिन्होंने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, वो सभी थोड़ा सा दुखी होते हैं। अगले सीन में हमें हाउसियन और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में आ चुके होते हैं। वहीं हम हाउसियन को देखते हैं जो कि उस फेरी को अपने साथ में नहीं रखना चाहता था क्योंकि वो फेरी खुले में रहना चाहती थी और वो आजाद होना चाहती थी, इसीलिए हाउसियन उसको आजाद कर देता है। वहीं इस चीज को देखकर हाउसियन के दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई क्या तू पागल हो गया है, आखिर तुमने उस लाइट एलिमेंटल फेरी को क्यों छोड़ दिया, क्या तुमको पता नहीं है कि वो कितना ज्यादा रियर है। वहीं हम कार्ड को देखते हैं जो कि हाउसियन को कुछ भी नहीं बोलती है क्योंकि हाउसियन ने यहाँ पर जो भी किया था कार उसको सपोर्ट कर रही होती है। वहीं हम हाउसियन को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों को शांत कराता है और उनको ऐसा करने का कारण बताता है। हाउसियन के समझाने की वजह से वो सभी शांत हो जाते हैं। वहीं हम हाउसियन को देखते हैं जो कि उनसे कहते हैं कि चलो हम अपने क्रेडिट पॉइंट को बांट लेते हैं। इसके बाद हाउसियन उन सभी के क्रेडिट पॉइंट को ले लेता है और सभी में बराबर बराबर बांट देता है। वहीं हम उन सभी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा थक चुके होते हैं, इसीलिए वो सभी आराम करने के लिए चले जाते हैं। वहीं हम हाउसियन को देखते हैं जो कि कार के साथ में होता है और वहाँ पर क्या क्या हुआ था उसके बारे में कार को बता रहा था। तो अभी कार को कुछ महसूस होता है, इसीलिए वो अपना डैगर निकाल लेती है और हाउसियन के सामने खड़ी हो जाती है। तो अभी वहाँ पर वो फेरी वापस आ जाती है जो देखकर हाउसियन कार को शांत करा देता है और कहता है कि ये एलिमेंटल फेरी
रही है तो तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो सुनकर कार शांत हो जाती है। वहीं हम उस फेरी को देखते हैं जो कि हाउसियान के पास में चली जाती है। हाउसियान फेरी को देखकर उसे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। इस पर वह फेरी कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, जो सुनकर हाउसियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले यह खुद ही हाउसियान को छोड़कर चली गई थी और अब ये खुद मेरे साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहती है। हाउसियान उससे पूछता है कि क्या तुम श्योर हो। फेरी कहती है कि मैं श्योर हूँ। वहीं इसके बात को सुनने के बाद हाउसियान अपना ब्लड निकाल लेता है और फेरी के माथे पर टच कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही हाउसियान का स्पिरिचुअल फर्नेस भी बाहर आ जाता है। वहीं हाउसियान और फेरी के ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की वजह से वहां पर स्पिरिचुअल पावर रिलीज होने लगती है, जिसकी वजह से हाउसियान के दोस्तों को अपने शरीर में काफी ज्यादा पावर फील होने लगती है। इसीलिए वो सभी वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं हम उस फेरी को देखते हैं जो कि हाउसियान के फोरहेड के अंदर जाने लगती है, पर तभी हवोई उस पर अटैक कर देता है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा।